24 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस से। भाई, सप्ताह की शुरुआत जो है बहुत अच्छी होने वाली है, इवन सारा सप्ताह ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मिड ऑफ द वीक जो सप्ताह का मध्य रहेगा ना, इसमें कुछ प्रॉपर्टी के लेने बेचने के योग बन रहे हैं और स्पेशली आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अपने आसपास से भी खूब सहयोग मिलने के आसार बन रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सफलता इंडिकेट हो रही है। और अगर आप कोई जर्नी करेंगे तो ये जर्नी भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। ओवरऑल यहाँ पे आपके लिए एक सलाह है कि जब सब चीजें अच्छी हो रही होती है ना, इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है और बाकियों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, बस वो मत करिएगा। सेहत के लिए भी सितारा आपकी फेवर में है, सभी का ध्यान रखिएगा और स्पेशली आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग जरूर करिएगा। आप सूर्यांजलि रोज दीजिए, प्लेन वाटर में चीनी डाल के ना, सूरज को जल आपने पूरा सप्ताह देना है और स्पेशली रोज बिना गिने हुए 2-1 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करिए। ये है इस सप्ताह में आपका उपाय। वृष यानी टॉरस, भाई जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, एकदम से इंपल्सिव होके कोई फैसला मत लीजिए। ये जो सप्ताह है ना आपके लिए बड़ा संभल के चलने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में जोश में किया गया कोई काम, बिना सोचे किया गया कोई भी काम आपको बहुत बुरी तरह से फंसा सकता है। और इस सप्ताह में कोई पुराना अगर रुका हुआ धन भी होगा ना, उसके बारे में भी कोई बहुत उत्साहजनक न्यूज आपके लिए नहीं है। हालांकि ज्यों ज्यों ये सप्ताह बीतेगा जो रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल इस सप्ताह की जो स्पीड है ना ये थोड़ी कम ही रहेगी। पूरे के पूरे 7 दिन शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जप जो है वो करके आइए। यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए सप्ताह में आपकी गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए काफी है। मिथुन यानी जेमिनी, भाई सबसे पहली बात है कि आपको नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। व्यापार में है तो काम में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, नौकरी में है तो आपका जॉब रोल चेंज होने वाला है। लेकिन ठीक इसी समय पे आपके आसपास के लोगों की जलन, जे फैक्टर जो है ना, ये आपके लिए कुछ अड़ंगे डाल सकता है, मुश्किलें डाल सकता है, आपको नजर लग सकती है। और इसके अलावा स्पेशली इस वीक में अगर कोई पुराने चलते हुए विवाद थे ना, अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहे थे पुराने चलते हुए, तो वो किसी भी मध्यस्थता से, किसी भी प्रोमिनेंट इंसान के बीच में आने की वजह से सही हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन भी सही रह सकते हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये जो सप्ताह है काफी उत्साहजनक है। लंबी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह में आप गणपति जी को दुर्वा घास चढ़ाइए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चाहे रोज चढ़ाइए और ओम गण गणपतये नमः का जप करिए। ये इस सप्ताह का है आपका उपाय जिससे सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ी रहेंगी। कर्क यानी कैंसर, भाई सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा अपनी वाणी में, अपने स्वभाव में थोड़ी विनम्रता लेके आइए। पिछले कुछ समय से आप लोग जो है ना काफी कड़वे हो रहे हैं, इससे क्या होगा आप अपने लोगों से कट जाएंगे। ये समय आया है जिसमें आपको बदलाव लेके आने हैं, क्योंकि अगर बदलाव नहीं लाएंगे ना तो आगे आने वाला समय आपके लिए प्रोफेशनली बहुत ही घाटे वाला समय रहने वाला है। ओवरऑल प्रॉपर्टी के मामलों में कुछ बेहतरी होगी, अगर आपका कुछ लोन अटका हुआ था वो पास हो जाएगा, कुछ रुकी हुई पेमेंट थी वो भी आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत मधुर होकर समाज में सभी को साथ लेके चलना है। इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे जबरदस्त उपाय है ना वो है कि आपने अपने पहला जो कौर है ना, खाने का पहला जो पार्ट है वो गाय के लिए सेव रखना है, बाद में गाय को रोज डालिए सप्ताह के सातों के सातों दिन, और विशेष तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए। सिंह यानी लियो, भाई इस सप्ताह में आपके लिए सबसे गुड न्यूज ये है कुदरत का साथ मिलने जा रहा है। नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी मिलेगी, व्यापार कम चल रहा था, व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका नेम फेम पैसा तीनों चीजें जो है ना इस समय में आपको बढ़ती हुई महसूस होंगी। इस सप्ताह में संतान की तरफ से भी कोई गुड न्यूज आ सकती है, इवन आपका जो लव रिलेशन है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह में केवल और केवल आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपने एब्डोमिनल हेल्थ का, पेट का, डाइजेशन सिस्टम का, खाने पीने की आदतों को सुधारिए और किसी भी पेट की दिक्कत को लाइटली मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। और उपाय के तौर पर विष्णु सहस्र नाम का पाठ जो है सुनिए या पढ़िए, ये पूरा सप्ताह करिए, पूरा सप्ताह ऊर्जाएं आपके साथ रहेंगी। कन्या यानी वर्गो,
भाई आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना बहुत ही उतार चढ़ाव वाला सप्ताह रह सकता है। एक तरफ से आपकी अपने आसपास वाले लोगों से मतभेद हो सकते हैं, अपने जीवन साथी से भी मतभेद हो सकते हैं, एकदम से सप्ताह की शुरुआत में बड़े खर्चे हो सकते हैं और आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस ना होने की वजह से मन भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खिन्न सा रह सकता है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन सी रह सकती है। इवन यही नहीं, इस सप्ताह में आपके लिए चीज़ें जो है ना आपके काम फिनिश होते होते रुक जाएंगे या आप अपने किसी भी वजह से काम को टालते भी रहेंगे जिसकी वजह से बड़े स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं और यही चीज जो है ना स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ को भी हैम्पर कर सकती है। उपाय के तौर पे गणपति उपासना, आपने बुधवार वाले दिन गणपति जी को लड्डू अर्पण करना है और मंडे वाले दिन आपने गणपति जी को कच्चे दूध से स्नान करवाना है। ये उपाय करिए, पूरा सप्ताह आपके लिए अति शुभ रहे। तुला यानी लिब्रा, भाई सारा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लोगों का साथ मिलेगा, खुद अंदर अपने आपके बहुत क्रिएटिविटी बड़ी प्रोडक्टिविटी आएगी, आप चीजों को प्लान करके आगे बढ़ोगे और मनचाहे नतीजे भी लोगे। इस सप्ताह में आपके जो सप्ताह का मिड है ना इसमें किसी प्रॉपर्टी के लेने बेचने का योग भी बन रहा है और बड़े खर्चों का योग भी बन रहा है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जो भी खर्चे होंगे ना वो बड़ी आसानी से अरेंज भी हो जाएंगे। इस सप्ताह में सारी चीजें अच्छी रहें उसके लिए आप भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए और हो सके तो मंडे वाले दिन शिव मंदिर में जाइए और वहां पे फलों के रस से शिव जी को स्नान करवा के आइए। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई बहुत फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाइए। पहले तो किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, कागज बहुत सोच समझ के साइन करिएगा। और दूसरी जो चीज है कि आपके कोई भी भूमि के विवाद, कोई भी प्रॉपर्टी के विवाद आपको कोर्ट कचहरी तक लेके जा सकते हैं, विवाद जो है ये कुछ बड़े रूप ले सकते हैं, इसलिए किसी भी चीज को वायदा करते हुए बहुत सोच समझ के करिए। और आपको उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी है, रोज एक हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में मीठा अर्पण करके आइए ताकि सारा सप्ताह जो है ना आपको टेंशन ना दे बल्कि आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई सबसे पहली बात जो प्लान करेंगे वो पूरा होगा और अगर प्लान नहीं करेंगे कुछ भी पूरा नहीं होगा। इस सप्ताह में अगर आपको चीजों को अच्छा रखना है तो सबसे पहले योजना बनाइए, कागज पे लिखिए, कहते हैं थिंक ऑन पेपर, वो करिए। और दूसरी चीज जो आपने करनी है इस पूरे सप्ताह में आपने एक डिसिप्लिन्ड वे से आगे बढ़ना है, एकदम से जो आपको गुस्सा आ जाता है ना उस पर कंट्रोल करना है, अपने सामाजिक संबंधों को बड़े यत्न से बना के रखना है। इस सप्ताह में घटनाक्रम कुछ ऐसे होंगे कि बिना बात के लोगों से गलत फहमियां होंगी, लेकिन किस्मत का साथ आपको काम में मिलता जाएगा, उन गलत फहमियों की वजह से काम डिले हो सकते हैं, अदरवाइज और कोई कारण नहीं है कि इस सप्ताह में आपका कोई भी काम रुक जाए। भगवान विष्णु की आराधना करिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, आप मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे किसी भी दिन जाइए और वहां पे मिठाई का भोग लगवा के आइए भगवान नारायण को और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये जो सप्ताह है ना आपके लिए वैल्यू ऐड करता है। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप समझिए कि आप किसी ऐसे दुर्गम रास्ते से जा रहे हैं जिसके दोनों ओर खाई है और बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। यानी इस सप्ताह में एक तरफ से आपका जो अपने बॉसेस से या अगर बिजनेस में है तो अपने सप्लायर से कोई मनमुटाव हो सकता है, दूसरी तरफ से जो आपके कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो भी आपको गलत समझ सकते हैं। दोनों तरफ से इस सप्ताह में आपको बहुत ही बैलेंस बना के रखना होगा। इवन यही बैलेंस आपको अपने परिवार में भी दिखना चाहिए, जीवन साथी या संतान से भी किसी बात पे कहा सुनी हो सकती है। और रही बात आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपको कोई मस्कुलर पेन ऐसी हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी पीड़ा में डाल दे, आपके काम को स्लो कर दे। आपको इस सप्ताह में माँ भगवती की आराधना करनी है, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन जाइए और माँ दुर्गा को आपने क्या करना है, एक रोज की खुशबू वाली जो धूप होती है वो अर्पण करके आइए, मिठाई अर्पण करके आइए और फिर देखिएगा कि इस सप्ताह में किस तरह से कुदरत अपना पूरा साथ आपको एक्सटेंड करती है। कुंभ यानी एक्वेरियस, सबसे पहले वाणी को बहुत संभालिए, लूज टॉक करने से बचिए। इस सप्ताह में आपके मुंह से कुछ ऐसे गलत बोल वचन निकल सकते हैं जो आपको किसी गहरी मुसीबत में फंसा दें। और दूसरा, किसी लालच में आके इन्वेस्ट मत करिए, जहां भी इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत फूंक फूंक के कदम रखिए, सोच समझ के आगे बढ़िए और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। भगवान हनुमान की आराधना करिए, रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, रोज एक बजरंग बाण पढ़िए और हो सके तो मंगलवार वाले दिन आप हनुमान मंदिर जाइए और वहां पे एक पीले रंग का कोई भी मिठाई प्रसाद अर्पण करके आइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये जो सप्ताह है आपकी फेवर करता है। मीन यानी पाइसेस, भाई रुके हुए काम बनेंगे, अटकी हुई पेमेंट आएगी और जिस चीज का सपना आप ले रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाना चाहिए लाइफ में अब वो पूरा होता हुआ दिखेगा। लेकिन ठीक इसी समय पे मन के अंदर एक ऐसा आलस आ सकता है जिसकी वजह से आप हाथ आता हुआ मौका छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आती हुई अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयार रहना है।
इस सप्ताह के एंड में घर में कोई धर्म कर्म का कार्य हो सकता है या आप किसी तीर्थ स्थान या धर्म स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं। उपाय के तौर पर तुलसी को जल दीजिए। अपने घर में अगर तुलसी लगा रखी है तो मंडे से लेके सैटरडे तक 6 के 6 दिन आपने तुलसी को जल देना है। अदरवाइज आप कहीं पे भी तुलसी लगी हुई है सप्ताह के किसी एक दिन बड़ी श्रद्धा से तुलसी को जल देके आ सकते हैं। इससे सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ रहेंगी। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे आप लाभ लेके अपने जीवन को बहुत ही सुगम बहुत ही सरल बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।